एवरीवन, तो बहुत दिनों से मुझे म्यूजियम जाने का मन था और इसी सीरीज में मैं पहुंच गई इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। और एंट्री करते ही मुझे ये वेलकम का बहुत बड़ा सा ये प्लांट दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूजियम है ये हमारे देश की प्रथम महिला पीएम पे ये बना हुआ म्यूजियम है। बोला जाता है कि वो अपने जीवन का अच्छा खासा समय वो यहीं पे बिताई थी, ये बेसिकली उनका घर था। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाती हूँ, अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले मुझे ये आर्टिकल दिखता है जिसमें उनके डेथ के बारे में लिखा हुआ था और जिसे देख के मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे उनके बहुत सारे मेडल्स देखती हूँ, उनके जितनी भी अचीवमेंट लाइफ की है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनको क्या क्या मेडल्स मिले हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे देख सकते उनके यंग की कितनी सारी फोटो थी, उनके न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल्स थे और वो लोगों के बीच में कितनी लोकप्रिय थी, ये भी आप इन चित्रों से पता कर सकते हैं। और यहाँ पे उनके जितने भी एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से संजो के रखा गया था। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आप यहाँ पे ऐसे खो जाएंगे, आपको लगेगा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में पहुंच गए। उसके बाद ये न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उनकी काफी चीजें यहाँ पे मौजूद, यही साड़ी पहन रखा था जब उनको गोली मारा गया था जिसमें अभी भी खून के छींटे मौजूद थे। और ये जो किताबें आप देख रहे हो वो अपने कॉलेज के टाइम में इनसे पढ़ा करती थी। और उसके बाद फिर मैं अपने आप को उस दुनिया से वापस ला के फिर मैं नीचे की साइड चली जाती हूँ जहाँ पे राजीव गांधी जी का संग्रहालय बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी के बाद फिर राजीव गांधी ने उनकी बागडोर संभाली थी और वो देश के पीएम बने थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी सारी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, उनके बचपन की फोटो मिल जाएगी, उनकी सारी चीजें मिल जाएगी और उन पे जो लिखे हुए आर्टिकल थे वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसे मैं बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह के 9:30 खुलता है, शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे एंट्री करने का आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर इसकी मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ, लोक कल्याण मार्ग हो जाएगा, वहाँ से मात्र 800 मीटर की ये दूरी पे है। तो आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, ऑटो भी ले सकते हो। ये जो पैंट है ये उसी समय का पैंट है जो उन्होंने पहन रखा था जब उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, जिसे देख कर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसमें आज भी खून की छींटे मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हो उनकी कितनी सारी यादों को कितने अच्छे से संजो के रखा गया। आप जब भी दिल्ली आते हो एक बार जरूर आइएगा इस म्यूजियम में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।